नहीं करना भरोसा मुझे अब किसी पे, जिसे जाना है वो चला जाए जिंदगी से, और हाँ कभी वापस मुड़ के आना ना। गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। आप में से कितने लोग हैं, कितनी लेडीज़ हैं जो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करती हैं क्योंकि मम्मी पापा से दूर रहती हैं। उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। वाकई में ये सही बात है कि सुबह सुबह की चाय अगर अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के पियो तो उस चाय का स्वाद भी दुगना हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे पापा एक्चुअली उसे मोबाइल में देख रहे थे क्योंकि हमने ना फ्री लीगल एडवाइस की एक वीडियो पोस्ट की हुई है, तो ऑलमोस्ट अभी तक हमने 10,000 केसेस फ्री में सॉल्व किए हैं। तो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं अपने पापा को फॉरवर्ड करती हूँ, पापा उसको पढ़ते हैं और टाइम स्लॉट देती हूँ, फिर लोगों का फ़ोन आता है और फिर वो पापा से बात करते हैं और पापा उनको सॉल्यूशन बताते हैं, क्योंकि मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं तो पापा का सुबह का काम वही होता है, और मैं रात में सोने से पहले ये सारा काम केसेस छांट के उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। इसके बाद आज मम्मी और मैंने मिलकर घर के सारे बेड बॉक्स को ठीक किया, क्योंकि मुझे ना बेड बॉक्स का एक एक पोर्शन चाहिए था। मेरा सामान आ गया, पर सारे सामान की ज़रूरत रोज़ नहीं पड़ती है, किताबें खासकर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मम्मी ने बेड बॉक्स खाली करवा दिया कि एक साइड मेरा सामान आ जाए ताकि जब ज़रूरत हो तो ईज़िली खोल सकते हैं। और एक्चुअली में ये बेड बॉक्स बड़े यूज़फुल होते हैं, मतलब इसमें गद्दा, रजाई सब चीज़ें हैं एक, लेकिन तब भी मेरे लिए जगह बन गई मेरे सामान के लिए। हालाँकि मेरी गृहस्थी अभी एक कमरे तक की है, बिल्कुल हॉस्टल वाली लाइफ है मेरी अभी, कि एक ही कमरे में सारी चीज़ें हैं, लेकिन तब भी पूरा घर तो मेरा अपना ही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर गृहस्थी से जुड़े ये सब काम करने में। मुझे लगता है हाँ थोड़ी पॉजिटिविटी आई। और मम्मी की आदत है कि मम्मी खुद खाली नहीं बैठ सकती है, तो मम्मी को साथ में लगना ही होता है, लेकिन जब दो लोग काम करते हैं ना तो एक्चुअली में काम का बोझ काम जैसा लगता ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। तो जितने पुराने पर्दे थे वो सब निकाला मम्मी, उसको काट करके झोला सिलती हैं, कुछ कुछ चीज़ें मम्मी बनाती रहती हैं। मेरी और मम्मी की ये कॉमन आदत है कि हम लोग को सिलाई मशीन का ना बहुत ज़्यादा वो है, कुछ कुछ चीज़ें सिलते रहने का। फिर जब इतना कुछ मम्मी के साथ किया था तो सोचा आज थोड़ी मम्मी की स्पेशल केयर भी कर दी जाए। तो एज़ यूजुअल मैंने फेस पैक बनाया था, तो मम्मी को मैंने बोला लाओ तुमको लगा दूँ, मम्मी बोली नहीं अब ये सब इस एज में क्या। ये जो फैक्टर होता है ना एज फैक्टर, आप जब एक एज के बाद सर्टेन एज के बाद खाना पीना नहीं छोड़ते हैं तो अपनी अपना ख्याल रखना क्यों छोड़ देते हैं। जैसे हमारे शरीर को खाने पीने की ज़रूरत होती है, हमारे स्किन को भी उतने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगता नहीं है। अपना अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद अपना घर का सारा काम करिए, 10-15 मिनट बाद मुंह को धुल लीजिए, मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। और मेरे रचित को ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि शायद मेरा भी नंबर आएगा, मम्मी मुझे भी लगाएगी। और मुझे पूछा उसने मम्मा क्या लगा रही है, तो मैंने उसको बताया कि मिट्टी है, मिट्टी चेहरे पर कौन लगाता है। फिर मैंने उसको बताया कि हम लोग तो मिट्टी से बाल भी धुलते थे, सिर्फ चेहरे पे ही नहीं लगाते थे, और एक्चुअली में उस समय बाल बहुत अच्छे रहते थे। मुझे याद है हम लोग बहुत साल तक मुल्तानी मिट्टी से बाल धुलते थे, चेहरे पे अप्लाई करते थे, और तब ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी आती थी, उसमें एक सूंधी सी खुशबू आती थी। ये वाली भी मुल्तानी मिट्टी मैं कहीं पर गई थी घूमने के लिए, वहाँ ओरिजिनल चीज़ें मिल रही थी, हाँ मैसूर गई थी जब, तो वहाँ से लेकर के आई थी, उसमें थोड़ी सी तो सूंधी सी खुशबू थी, लेकिन सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा नहीं सकते, मुल्तानी मिट्टी में कुछ और भी चीज़ें मिलाई हैं। तो जब इतनी बातें कर रही हूँ तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि ये फेस पैक कैसे बनाया और इसके क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी सबको सूट करता है, कोई ऐसा नहीं जिसको मुल्तानी मिट्टी नहीं सूट कर रहा। मुल्तानी मिट्टी सिर्फ स्किन को ना अच्छा ही नहीं बनाता है, मतलब फाइन लाइंस रिंकल्स को भी ख़त्म कर देता है अगर आप उसमें दूध मिला के लगाते हैं, और वो मॉइस्चर दे देता है आपकी स्किन को, और साथ ही साथ हल्दी से स्किन की ग्लो बढ़ जाती है। तो मैंने ये कैसे बनाया वो भी दिखा देती हूँ। तो इसमें ये वही मुल्तानी मिट्टी है जो ओरिजिनल लेकर के आई थी मैं, वो मुल्तानी मिट्टी मिलाया है छोटे चम्मच से 1 चम्मच। ये कस्तूरी हल्दी है, ये भी मैंने वहीं से ख़रीदा था, इसमें कोई रंग नहीं है इस हल्दी में। और साथ ही साथ गुलाब जल मिलाया और फिर इसमें दूध मिला दिया। जिनको दूध नहीं सूट करता वो दही मिला करके भी लगा सकते हैं, जिनको पिगमेंटेशन झाइयाँ होती हैं ना उनको दही मिला के लगाना चाहिए, तो पिगमेंटेशन और झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अगर इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस गार दीजिएगा और रोज़ 7 दिन तक लगा के देखिए, आँखों के नीचे जो झाइयाँ हो जाती हैं, काले काले दाग से हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, बहुत फ़ायदा करता है ये।
तो इजी भी होता है बनाना, तो मैंने इसको बनाया और अपने चेहरे पे लगा लिया और उसके बाद घर की क्लीनिंग डस्टिंग पूरा घर ठीक ठाक किया। आदत है नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता करने की, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। हालांकि मुझे पर्सनली ये फील होने लगा कि मम्मी के पास आकर थोड़ी सी मैं आलसी हो गई हूँ और इस आलस को अपने से दूर रखना है, इसलिए मैंने यूट्यूब के काम का भी इतना लोड अपने ऊपर लिया हुआ है ना, करेंट अफेयर्स रोज़ न्यूज़ पढ़ना है, फिर रोज़ के सेहतमंद सोमवार, मोटिवेशनल मंगलवार, बच्चों का बुधवार, गुरु का गुरुवार, स्वादिष्ट शुक्रवार, शानदार शनिवार, सारे सेक्शंस बांट के रखें ताकि आप लोग के लिए रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट कर सकूं, शॉर्ट्स बनाती हूं, ब्लॉगिंग करती हूं, ताकि बिज़ी रहूं और पॉजिटिव साइड में बिज़ी रहूं। तो इसको लगा के छोड़ दिया था 10 मिनट और फिर पेज धुल लिया। आजकल रचित को भी ड्राइंग का बड़ा इंटरेस्ट आया, तो रोज़ वो एक पेंसिल शेडिंग ड्राइंग 1 घंटे में करता है, वीडियो लगा लेता है यूट्यूब पे उस टाइम में और अपना 1 घंटा देख के खुद से ड्राइंग सेलेक्ट करता है और पेंसिल शेडिंग ड्राइंग करता है और एक्चुअली में रोज़ उसमें डेट मेंशन करता है। और एक्चुअली में देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रोज़ बनाने से उसकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और वो सेल्फ से सीख रहा है। इसके बाद उसको अभी तो स्कूल एडमिशन हुआ नहीं है, लेकिन उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने उसको इससे लिखने दिया था, राइटिंग के पर्पज़ से कैमल पर दिया था इंग्लिश में लिखने और हिंदी में दिया था मेरा घर पे लिखने। तो मैंने फिर उसको बोला कि रीड करके सुनाओ ताकि रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही उसकी, स्कूल का टाइम तो ऐसे ही जा रहा है। एक बार स्कूल शुरू हो जाता है तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों का ही रूटीन जो है एकदम सही हो जाता है। बच्चों से ही एक्चुअली हम लेडीज़ लोग का रूटीन चलता है, अगर बच्चे टाइम पे स्कूल जाते तो हमारा पूरा दिन उसी शेड्यूल पे वो हो जाता है। बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अभी क्या है वो चीज़ नहीं है, अब मंडे से शायद एडमिशन हो जाए तो फिर रचित स्कूल जाएगा। आदमी इंसान लोग उसके पीछे बैठ करके राइड करते हैं। और ये जनाब अपनी पढ़ाई करके फुर से भागेंगे अब खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ इनको बहुत दोस्त मिल गए हैं और 1.5 घंटे बाद मुझे जाना पड़ेगा मैदान में उसको खोजने के लिए। वॉक करने आई हूँ और वॉक करने के बहाने करी पत्ता चोरी करने आई हूँ। बताइए, वहाँ इतना सारा करी पत्ता था और यहाँ मुझे चोरी करना पड़ा है, मतलब किसी और के पौधे से लेना पड़ा। अभी मेरा सामान आया नहीं, वरना मेरा तो करी पत्ता, नीम, एलोवेरा, तुलसी सब चलता ही। उधर देखिए सब बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ सब ने अपने ना अपने बाहर में थोड़े थोड़े से पौधे लगाए रखे हैं। मेरा भी जब आ जाएगा तो मैं भी लगा के रखूँगी। फिलहाल मम्मी पापा के लिए सोचा कुछ बना दूँ, तो मम्मी को बोल के आई हूँ, मैं थोड़ा सर्च मार के आती हूँ करी पत्ता के लिए। फिर बच्चों को खेलते हुए देखने लगी और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैं रचित को खोज रही हूँ, दिख नहीं रहा है मुझे कहाँ चला गया है वो भी ना यहाँ पे आके एकदम खो गया। इतने सारे बच्चे उसको मिल गए हैं और सारे उसके दोस्त बन गए, हर एज ग्रुप के लोग उसके दोस्त बन गए हैं। फाइनली इनकी गैंग मिल गई और रचित की साइकिल की चेन उतर गई थी, तो सारे दोस्त मिलकर चेन लगाने में लगे हुए थे। बड़ी अच्छी लगती है बच्चों की ये दोस्ती, बिल्कुल साफ मन के साथ बच्चे एक दूसरे की केयर करते हैं और इन लोगों से ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप थोड़ी देर बच्चों के साथ रहो ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे इन लोगों से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना। कल जाएंगे ना डीपीएस तुम्हारे स्कूल को, उसको लेके जाएंगे। बड़े सारे लोग का व्हाट्सएप पे कमेंट आया कि उनको ये वाला वॉलपेपर मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है एक साइड का ये वॉल बचा हुआ है, ये 1 साल पहले मैं यहाँ पर पूरा मेकओवर करके गई थी घर का और वॉलपेपर कम पड़ गया था। फिर मैंने ऑर्डर किया, जब तक डिलीवर हुआ मैं वापस चली गई थी। अब वापस आई हूँ तो इस बार लगाऊंगी। वो कहते हैं ना खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे इस वॉल को कंप्लीट करने का भी जिम्मेदारी लगता है मेरे ही ऊपर है। तो अब मैं इसको पहले कंप्लीट करूँगी, जिस दिन करूँगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वॉलपेपर चिपकाना भी ना अपने आप में एक टास्क होता है। इस पूरे वॉल को जब मैंने ठीक किया था, लगाया था, बड़ा बहुत मेहनत का काम था। खैर मेहनत की बात तो छोड़ो, उसमें तो अलग ही मज़ा आता है। पूरे दिन कुछ करते रहो ना तो ही लगता है कि हाँ दिन अपना है, कुछ ना करो तो लगता है क्या कर रहे हैं, लाइफ एकदम बेकार हो गई है। तो मुझे ना एकदम से आदत है खूब सारा टास्क अपने ऊपर, और अभी से नहीं हॉस्टल लाइफ से ही एक आदत पड़ी हुई है, खूब सारा टास्क लेकर के अगले दिन के लिए रखते थे ताकि पूरे दिन इंगेज रहे। और आजकल ना हॉस्टल लाइफ बड़ी याद आती है, हॉस्टल लाइफ की बात अलग होती थी ना। अगर आप में से कोई भी हॉस्टल में रहा होगा तो पता है हॉस्टल लाइफ में सिर्फ सीखने का ही मौका नहीं मिलता है, एक नई लाइफ मिलती है जहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं, जहाँ बाथरूम के लिए लाइन लगी रहती है, खाने के लिए लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस लड़ाई में भी ना अलग यादें बन जाती हैं।
ऐसी ढेर किसी एक की तबीयत खराब होती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आजकल वही हॉस्टल लाइफ बहुत याद आती है मुझे कि वो टाइम बहुत अच्छा था। स्ट्रेस था, टेंशन था, सब कुछ था, लेकिन तब भी कोई अपना नहीं था, लेकिन सब अपने लगते थे हॉस्टल लाइफ में। और अब क्या है, अब के टाइम में हॉस्टल लाइफ में बच्चे उतनी चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि अब के हॉस्टल भी इतनी फैसिलिटीज़ वाले होते हैं, अटैच बाथरूम मिल जाता है रूम में, एसी लगा होता है, मीन्स आप जितना पेमेंट करोगे उतना आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इवन मेरी मतलब कज़न सिस्टर्स हैं, वो हॉस्टल में रह रही थी, तो मैं अक्सर पूछती थी आज नाश्ते में क्या मिला, पता चला गोलगप्पे, टिक्की चाट, चाउमीन, तो मेरे मुँह से यही निकल जाता था हॉस्टल है या होटल है, ये वाला थॉट आ जाता था। हम लोग के टाइम में तो हॉस्टल में इतना ख़राब खाना मिलता था, लेकिन वही खा खा के हम सबकी हेल्थ बड़ी अच्छी थी। एक बार का हॉस्टल का किस्सा बड़ा यादगार है मेरे लिए। सरस्वती पूजा पड़ा था, तो हमारे हॉस्टल इंचार्ज ने ना स्पेशली कुक को बुलवा करके खाना बनवाया था, बहुत तरह तरह की चीज़ें, चने का दाल, पुलाव, पनीर, गोभी की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। हम सब ने खूब मन से खाया, 75 लड़कियां रहती थी हमारे हॉस्टल में। और अगले दिन ना 3-4 लड़कियां ऐसे एडमिट हो गई, फिर उसके अगले दिन और लड़कियां एडमिट हो गई, तो हॉस्टल इंचार्ज ने मुझे बुलवाया, क्योंकि हॉस्टल में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। मुझे बुलवाया तो उन्होंने पूछा कि रचना ऐसा क्या हो गया कि आज अचानक से लड़कियाँ बीमार पड़ गई, पेट खराब हो गया। तो मेरे मुंह से इंस्टेंट आंसर यही निकला कि भैया अच्छा खाना खाने की आदत छूट गई ना, तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो एक्चुअली में हॉस्टल लाइफ में यही होता है। अब पता नहीं क्यों मैं आज आपसे हॉस्टल की बातें कर रही हूँ, लेकिन अभी जब एक कमरे में रह रहे, वैसे तो पूरा मम्मी का पूरा घर मेरा अपना ही है, बट मेरी पूरी गृहस्थी एक कमरे में ना, तो जैसे हॉस्टल में नहीं रहता था, एक बेड है, एक अलमारी है, थोड़े से कुछ, एक टेबल है, स्टडी टेबल है, अपना एक किचन है, वो वाली फीलिंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ ना 11 साल से 12 साल से पूरा घर गृहस्थी सब देख के एक एक कोने को वो करते करते ना वो वाली आदत छूट गई है। अब लगता है कि नहीं, पूरा घर होना चाहिए, उसमें पूरा फुल इंगेजमेंट होता था। यहाँ एक कमरे में रह के मुझे हॉस्टल लाइफ बहुत याद आती है, और अब सोच रही हूँ कि यहाँ कॉलोनी में भी कुछ फ्रेंड्स भी बना लूँ, ताकि वो वाली लाइफ को फिर से, कहते ना रीस्टार्ट, न्यू जर्नी को रीस्टार्ट करने के लिए कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना, और लोगों का कि बातचीत करने के लिए कोई हो। कैसे तो आप लोग हैं ही, और बस रचित का स्कूल शुरू हो जाए तब आप देखिएगा मैं रोज़ आपके एक फिक्स टाइम में लाइव आऊँगी, और सिर्फ मेरे ही मन की बातें, दिल की बातें नहीं करूँगी, बल्कि आपकी सारी बातें सुनूंगी, जवाब दूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है, और सच मानिएगा ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, खासकर उन लेडीज़ को जो घर में रहते रहते पूरे टाइम बच्चों की कचकच, बचपच सब सुनते सुनते उनको हैंडल करते करते मेंटली फिजिकली बहुत थक जाती हैं। ऐसी लेडीज़ को ना बात करने की बहुत ज़रूरत होती है, और घर में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उनकी बात सुने, उनकी बात को समझें, इसलिए अनजान लोगों से कनेक्शन बन जाता है और अपने दिल की बातें लेडीज़ रख देती हैं। तो खैर, आज की ब्लॉग में इतना ही, कल की ब्लॉग में फिर मिलेंगे। आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी ब्लॉग्स अगर अच्छी लगती है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले।